सादगी की वजह से जो हमारा शो बड़ा सादा है, बड़ा सिंपल है, लोगों को भी पसंद आता है। मैं बताना चाहता हूँ वो सच्चा है, और एक्टर तो हम सब लोग हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे बाकी सब जो लोग हैं जो हमारे साथ इन्वॉल्व है, जो सब सब वहाँ से आते हैं, हमारे क्रिएटिव नितिन आजा भाई, धर्मेश सर है हमारे डायरेक्टर जो बहुत 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 सीनियर्स नहीं, शो देखते रहिए। और शो की जो हमें लगता है खास बात यह है कि एवरीबडी सो वेल प्लेस्ड, सही कलाकार सही किरदार में है, और सच्चाई जो है मुझे लगता है वो हमारा USP है। बड़े सच्ची सी कहानी है और सच्चे से दिखाई जा रही है, तो वो सच्चाई कहीं ना कहीं मुझे लगता है लोगों से कनेक्ट करती है, अभी तक करती आई है, और पूरी उम्मीद है कि आगे भी करती रहे। हमारे साथ हमारे और से इन्होंने सब कुछ बता दिया, और वैसे तो हम बता ही चुके हैं कि ना उम्र की सीमा हो। And I said, it's a simplicity. बड़ा लड़का छोटी लड़की, इट्स वेरी कॉमन, बट इट केम आफ्टर लॉन्ग टाइम, सो दैट्स वाई सारे शो में हमारा शो फ्रेश लगता है। एंड क्रेडिट गोज टू मिस्टर इकबाल खान एंड विधि, दे डिड वेरी गुड थिंग, एंड द एंटायर कास्ट। आई वॉज जस्ट सेइंग कि कास्टिंग ऐसे तो इससे अच्छी हो ही नहीं सकती, बिकॉज एवरीबडी इज डूइंग सो ब्यूटिफुली देयर सीन्स। एंड इकबाल ने और जैसे दीपक जी ने कहा कि हमारे राइटर्स बहुत सिंपलिसिटी में बिलीव करते हैं, एंड वी ऑल बिलीव इन नेचुरल एक्टिंग। सो ये हमारा प्यार हमारे शो के लिए, एंड दैट्स द रीजन इट शोइंग इट टू यू, एंड आई एम श्योर यू ऑल लव अस एंड कीप लविंग अस। 50 इज जस्ट द बिगिनिंग, इट्स जस्ट द नंबर। जैसे आपने कहा है कि बड़ा लड़का और छोटी लड़की, तो सर आपसे जानेंगे कि जब ये शो आया वो बात कर रही थी इंदुम की। चल गया ना, देख गया ना, 50 एपिसोड, अब और क्या चाहिए। एक्चुअली हम पहले से ही कुछ छुपा नहीं रहे थे, तो प्रोमो में पता था क्या स्टोरी है, ऐसा नहीं था कि कुछ और दिखा रहे हैं कि लोग आए, तो शुरू से ही वी गॉट अ डिसेंट नंबर, डिसेंट आई बॉल्स। और मैं ये पहले भी कह चुका हूँ और अभी दोबारा कहूँगा, ये कहानी किसी, हालांकि उसमें भी हम कौन हैं जज करने वाले, ये किसी 90 साल के आदमी की और 18 साल की लड़की की तो कहानी है नहीं, तो थोड़े रिलेटेबल है ऐसा, मतलब किसी भी उम्र में प्यार हो सकता है, हो सकता है टुडेस टाइम, हां टुडेस टाइम, सो इट्स वेरी वेल। बॉन्डिंग की बात की जाए, और वैसे तो देखा गया है कि ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों ही आप लोगों की बॉन्डिंग बहुत प्यारी दिखाई गई सबके को एक्टर्स के साथ, तो स्टार्टिंग से लेकर अभी तक की जर्नी के बारे में बताना चाहेंगे कि किस तरीके की बॉन्डिंग रही है सबके साथ। यू नो वी हैव बीन ब्लेस्ड विद गुड पीपल, हमारी जो सारी टीम है, सारी चाहे अभी फिलहाल मैं सिर्फ एक्टर्स की बात करूँगा कि बड़ी अच्छी टीम है। मैं जब भी कोई शो करता हूँ मेरे दिमाग में हमेशा रहता है यार सारे एक्ट कोई वो कभी कभी एक थोड़ा वैसा होता है ये होता है जिससे कुछ, लेकिन हमारे माशाल्लाह एवरीबडी इज़ वेरी नाइस आउट हियर, लीविंग अ कपल ऑफ देम। No, the chemistry is so good, and मैं तो पहली बार विधि की फैमिली से मिली हूँ कल, तो मुझे था पहले से लगता था कि ये लोग कौन है, मतलब कहाँ है, ऑब्वियसली वी मीट बट वी शॉट टुगेदर एंड इट वॉज रायट ऑन द सेट, लाइक माइंडेड पीपल, सो वी हैव लॉट ऑफ फन एंड वी डू गुड वर्क ऑल्सो,
सो इट्स ब्लेस्ड दैट्स इकबाल सेड राइट टचवुड अभी तक सो फार सो गुड हमारे इस शो में ना बहुत सारे जो क्लीशेज है ना वी हैव ट्राइड टू ब्रेक इट समथिंग बट वैसा हुआ है बहुत सारा जैसे फॉर एग्जांपल राइटली यू सेड सत्यवती का कैरेक्टर है स्टेप मदर है वो है लेकिन है नहीं वैसी or I don't know whether I can say this or not, I've said it enough before also. But when, you know, when you, Deepshikha has always done very different kind of roles, glamorous roles. So the first thing that, you don't see Deepshikha there, but you know, you have accepted Deepshikha like that. Or same way, when you, for example, Rishina ka jo character hai, to wo hamare show mein ek hisab se ek villain hai. लेकिन वो भी एक बड़ा ही बैलेंस है मतलब वो जो चीजें मांगती है शो में तो वो समटाइम्स मतलब जो देखने वाला इंसान होता है वो चला जाएगा हां हां मतलब प्रिया इज राइट इन ऑन हर पार्ट बिकॉज़ शी वांट्स टू वर्क आउटसाइड एंड शी इज नॉट यू नो गेटिंग टू वर्क हालांकि वो है वो नेगेटिव है वो लेकिन वो भी उसी हिसाब से है और जैसे विधि का जो कैरेक्टर है जैसे मुझे विधि का कैरेक्टर बहुत पॉजिटिव और इंस्पायरिंग लगता है लेकिन वो इतना नॉर्मल सा है कि आप उससे रिलेट हो सकते हो ऐसा कुछ अनबिलीवेबल नहीं है मतलब आप कहीं ना कहीं देखे होंगे ऐसे लोग मतलब ऐसा कभी देखते ना अरे ऐसा कौन है नहीं वैसे देव का कैरेक्टर भी ऐसा ही है इट्स वेरी नेचुरल सम टाइम पीपल आर देयर एंड ही इज डन इट सो वेल हम सब की तारीफ करता रहेगा बट इसकी तारीफ मैं ही कर सकती हूँ क्योंकि मेरा देव ऐसा ही करेगा दिस इज माय टैगलाइन मेरा देव ऐसा ही है सो दैट इज व्हाट एंड आई रिलेट विद वी स्पोक के लोग आपको जज कर देते हैं कि अरे नेगेटिव रोल करती है ग्लैमरस तो ये ऐसी होगी सो पीपल पॉजिटिव से नेगेटिव रोल करते हैं मेरा सब उल्टा किस्सा ही चलता है मैं नेगेटिव से पॉजिटिव कर रही हूँ सो नाउ पीपल कैन सी दैट दिस इज व्हाट आई एम इफ यू वांट टू जज मी देन जज मी आई एम सत्यवती आई एम वेरी पॉजिटिव पर्सन एंड जब भी पीपल कॉम्प्लीमेंट अबाउट देव एंड सत्यवती सीन बिकॉज आई एम वेरी अटैच टू माई चिल्ड्रन जब भी मेरे बच्चों की बात होती है ना मेरे आँख में से पानी आ जाता है तो जब सीन में कोई भी देव की बात करता है तो ऑटोमेटिकली मेरी आंख में पानी था मेरा देव है ही ऐसा सो इट्स आई कनेक्ट अ लॉट एंड इट्स सो नाइस वी ऑल कनेक्टेड टू शो हमारे शो की सबसे अच्छी बात यही है कि सारे कैरेक्टर्स रिलेटेबल है और जितने भी कैरेक्टर्स हैं आप चाची देख लीजिए मम्मी देख लीजिए चाचा देख लीजिए फादर देख लीजिए इवन जो राम का कैरेक्टर है वो देख लीजिए एवरीबडी आपकी असली जिंदगी में ऐसे कैरेक्टर्स आप लोगों के घर में भी होंगे तो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल हम लोग प्ले भी कर रहे हैं एंड वी आर लाइक दैट हाउ वी आर ऑन द सेट वी आर लाइक यू नो इट्स रिटन वेरी ब्यूटीफुली एंड दैट्स व्हाट वी आर पोर्ट्रेइंग एवरीथिंग इज लाइक वेरी वेल प्ले कुछ कुछ एक्टर्स तो ऐसे हैं जिनके सामने मतलब जो आर कर रहे होते तो उनके जब पता चलता है कि उनके साथ आपका सीन है तो फिर थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा करना पड़ता है जैसे मैं अभी दीपशिका और मेरी ट्यूनिंग हो गई है अच्छी तरह तो हमारे सीन्स निकल जाते हैं बढ़िया वाले रचना और मेरी जितने भी सीन्स आते तो हम क्योंकि उन्होंने बहुत सारा काम एक साथ करें अगर दीपक के साथ में दीपक इज फैंटास्टिक एक्टर तो मुझे ज्यादा सीन इसके तक लेने क्योंकि ये एक ऐसा एक्टर जिसके सामने थत्थ पप्पा हो सकती है क्योंकि ऐसे हैं और ये दोनों तो कॉमेडी में यू हैव टू सी शी इज ब्रिलियंट इन द शो अमेजिंग थैंक सो ब्रिलियंट इन द शो विद विजय आई वर्क इन द पास्ट आल्सो एंड वी डन सम अमेजिंग वर्क एंड ही इज रियली रियली हार्ड वर्कर आई रियली लव हिज वर्क एंड द न्यू एडिशन टू द फैमिली हां छोटा बच्चा एंड यू कांट फॉरगेट हिम अभिमन्यु इज आल्सो डूइंग वेरी गुड ओ गाय और ये सच्ची में मेरा भाई है जो मुझे कल पता चला क्योंकि हमारा एक डांस सीक्वेंस था और इसको भी नहीं आया मैंने बोला लानत है तुम पे मेरे बच्चों के नाच नहीं सकते सो रिहर्सल पूरी सत्यवती मैम ने की मतलब दीपशिका जी ने की और टेक में डांस कर रहे थे मेरे साथ इकबाल सर दैट्स हाउ वी लिटिल तो ना बैलेंस हो गया एक्चुअली नाचने का मन तो हरि प्रसाद और सत्यवती का हो गया किरदारों ने इजाजत दी उन्होंने आज भी काफी कोशिश करी पहले दिखाने की लेकिन उन्होंने भाई साहब बोल के बात खत्म कर दी हां जी सो फार इट्स बीन अमेजिंग एवरीबॉडी इज लविंग द विदेव केमिस्ट्री
एवरीबडी इज लविंग द हैप्पी जॉली मोमेंट्स वी हैव एंड बिलीव मी ऑन स्क्रीन जो मस्ती मजाक जो एक वॉर्म्थ आपको दिखती है दोनों फैमिलीज में वो रियल में भी है मतलब आप आई थिंक यू गाइस कैन मेक आउट सो ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन जो नेचुरल जितना होता है उतना ही किया जा रहा है मतलब नमक सही मात्रा में है इस चीज की मतलब उन लोगों को ये देख के बहुत अच्छा गारंटी भी और दे भी रहे और वो लोग उस चीज को देख के खुश भी हो रहे हैं कि कुछ भी ओवर नहीं कुछ भी कम नहीं ना करना हमेशा बड़ा मुश्किल होता है यस 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 स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग अ डेली शो स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग अ डेली शो देयर इज सर्टेन थिंग्स व्हिच इज टिपिकली एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू एंड व्हेन यू डोंट डू इट जैसे विदेव यानी विधि और देव की स्टोरी स्टार्ट होने को थोड़ा वक्त लगा थोड़ा एक स्टार्टअप किया तो एवरीबडी वॉज इम्पेशेंट कि कब होगा सो वो चीज़ है तो देर ऑब्वियसली देर इम्पेशेंट देर लगे अब होगा जब हुआ सो देर हैप्पी विद दैट ऑल्सो सो देर एंजॉइंग इट दैट्स द बेस्ट पार्ट देर एक्सेप्टिंग इट दे बेटर एक्सेप्ट